आज हम बना रहे हैं ये कलगा फ्लावर। ठीक है, इसके लिए मैंने ये वाला थ्रेड लिया है, पिंक डबल शेड। ठीक है, इसका नंबर भी वैसे ये है। ठीक है, और ये लीव्स के लिए मैंने ये डबल शेड ग्रीन लिया है और इसका नंबर ये है। और ये कलगा बनाने के लिए, फ्लावर बनाने के लिए जो कि हमने ये बनाना है, इसके लिए मैंने ये क्रोशिया वाली पैराशूट का धागा लिया है। ठीक है, ये आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। इसके अलावा ये एंकर में भी बन सकता है, मगर ज़्यादा बेटर रिज़ल्ट जो है ना इसी से आता है। ठीक है, चलाएँ भी बस इसको शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका नीचे वाला ये बनाना शुरू करेंगे, यहाँ से स्टार्ट लेंगे और घर में टांके से ये स्टार्ट करेंगे। एक टांका छोटा लेंगे और एक टांका बड़ा लेंगे। और मैंने ये 3 स्ट्रेंस लिए हैं इसके अंकर के धागे के। ठीक है व्यूअर्स,
ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने कर का धागा लेके उससे अभी काम करना है। ये 2 स्ट्रेंस लिए हैं मैंने क्रोशिए के धागे की। बिल्कुल साथ से छोटे छोटे स्टिच ले लेने हैं। हाँ जी, इस तरह इसी तरह इस लाइन को भी बना लेना, इसको बना लेना जी। भी बस अब यहाँ से निकाल लिए। अब थ्रेड को एक साइड से अंगूठे के नीचे दबा लेना और यहाँ से ऐसे, ये देखिए ऐसे, और उसके बाद दोबारा फिर इसी तरह इस साइड से सिर्फ थ्रेड को ले लें। हम सिंपल बटन होल स्टिच बना रहे हैं। ये देख रहे हैं ऐसे नीचे से, और इसको इस तरह से ले दे, ठीक है। इस तरह ये एक लेयर कंप्लीट करनी है, ठीक। ये 1 लेयर कंप्लीट हो गई है। अब इसी तरह हमने सेकंड लेयर स्टार्ट करनी है। अभी इसी तरह यहाँ से ये देखें ऐसे ज़रा लूज, टाइट नहीं करना स्टिच को। अब दूसरे होल में से ये देखिए, ठीक है। इसी तरह ये दूसरी लेयर कंप्लीट कर लेनी है। मैं इसको कंप्लीट करती हूँ।